श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों कैसे हों, आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। दोस्तों 19 अप्रैल को बैसाख मास का सबसे पहला मंगलवार है। दोस्तों इस दिन आप लोगों को कुछ ऐसा महा उपाय करना है जिसको करने से आप लोगों को आर्थिक फल प्राप्त हो सके, सामाजिक फल प्राप्त हो सके और आपकी जीवन में आ रहे सब दुख दूर हो सके। दोस्तों मंगलवार का दिन पवन पुत्र हनुमान का दिन माना जाता है और दोस्तों पवन पुत्र हनुमान को संकट मोचन नाम से भी जाना जाता है और सुख दुख हर्ता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों इस दिन आप लोगों को एक ऐसा महा उपाय करना है पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताया गया, जिसको करने से आपके सभी दुख दर्द दूर हो सके और साथ ही साथ आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियाँ दूर हो सके। दोस्तों इस कार्य के लिए आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, मात्र आप लोगों को छोटा सा कार्य है, मंगलवार के दिन आप लोगों को यह कार्य अवश्य ही करना है, आप लोगों को आर्थिक फल अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों आप लोगों को इस कार्य के लिए मात्र एक पीपल के पत्ते पर यह एक शब्द लिख देना है। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों मंगलवार के दिन आप लोगों को एक हरा पत्ता लेना है और एक हरे पत्ते पर आप लोगों को मात्र यह एक शब्द लिख देना है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो पत्ता आप लोगों को लेना है, पत्ता एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, बिल्कुल भी उस पत्ते में छेद नहीं होने चाहिए। फिर उस पत्ते को आप लोगों को अपने घर पर लाना है और पत्ते पर आप पूरे पत्ते को आप लोगों को हल्दी से सान लेना है और फिर आप लोगों को उस पत्ते पर मात्र दोनों तरफ, पत्ते के दोनों तरफ आप लोगों को ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, दोस्तों यह शब्द आप लोगों को दोनों तरफ पत्ते के लिख देना है। ऐसा करने से घर की सभी संकट दूर होते हैं और व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी संकट दूर होते हैं, इसीलिए दोस्तों उन्हें संकट मोचन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।